गाइस माइक्रोमैक्स ने अपना माइक्रोमैक्स इन नोट वन और इन वन भी लॉन्च किए हैं। तो इन वन वी का एक एंट्री लेवल फ़ोन है, उसके जितने भी कंपैरिजन बन सकते थे जो कि अच्छी ब्रांड्स हैं उनके साथ में जो कंपटीटर थे वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको ऊपर आई बटन में उनका लिंक मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, आपको लेटेस्ट वीडियो में ही वो वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं माइक्रोमैक्स के इन नोट वन का, क्योंकि इन नोट वन जो आता है वो आपको 10,999 देखने के लिए मिलता है, 4+64 वाला वेरिएंट, और मीडियाटेक का हेलियो G85 इसके अंदर प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। सेम इसी प्रोसेसर के साथ में और सेम इसी प्राइस रेंज में दो फोन्स और आते हैं, जिनमें से एक है रियलमी का नार्जो 20 और दूसरा है रेडमी का नोट 9। दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, बीच में माइक्रोमैक्स ने भी काफ़ी अच्छे स्पेक के साथ में एंट्री मारी है। देखते हैं कि तीनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन बेस्ट है आपके लिए और कौन सा फ़ोन यहाँ पर क्लियर विनर निकल करके आता है। शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले आपको तीनों में 6.5 इंच के आसपास की मिलती है, माइक्रोमैक्स में थोड़ी सी बड़ी है, 6.67 की मिल जाती है। पंच होल कैमरा आपको रेडमी नोट 9 में और माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में देखने के लिए मिलता है, जबकि रियलमी नार्जो 20 में आपको एक नोच वाला डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है जो पंच होल के कंपेरिजन में देखने में इतना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ओल्ड भी आपको देखने के लिए लगता है। तो लुक वाइज अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 और रेडमी का नोट 9 दोनों ही फ़ोन सामने से काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट डिस्प्ले पर जो प्रोटेक्शन है वो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की दी गई है रेडमी के नोट 9 में, और माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में आपको डिस्प्ले के बारे में बताया नहीं गया, हाँ ओलियोफोबिक कोटिंग है जो आपको मिलती है, और नार्जो 20 में किसी भी तरह की डिस्प्ले की प्रोटेक्शन की बात नहीं की गई है। तो डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के मामले में हम ये कहेंगे कि बिल्ड क्वालिटी पर थोड़ा सा काम किया है रेडमी नोट 9 ने, और आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी के साथ में काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है, तो आपको थोड़ी सी टेंशन जो है मतलब स्क्रैच वगैरह आने के डिस्प्ले पर वो दूर हो जाती हैं रेडमी नोट 9 के अंदर। बात करते हैं बैक साइड की, तीनों में ही आपको प्लास्टिक का फ्रेम, प्लास्टिक कीबोर्ड देखने के लिए मिलती है, और बैक साइड में आपको तीनों में ही 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिलता है। रेडमी नोट 9 में आपको क्वाड कैमरा मिलता है जहां पर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, बाकी 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं यहां पर माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 की, वहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा के साथ साथ आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2+2 के डेप्थ और मैक्रो देखने के लिए मिल जाते हैं। रियलमी नार्जो 20 में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर डेप्थ सेंसर नहीं है, तो वो काम तो आप सॉफ्टवेयर की हेल्प से भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीनों फोन के जो कैमराज हैं वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलते हैं, बस यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड है थोड़ा सा कम रह जाता है माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 में। बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो आपको माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 सबसे ज़्यादा सेल्फी लेकर के आता है 16 मेगापिक्सल की, और साथ में जो रेडमी का नोट 9 है वो 13 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ में आता है, और सिर्फ 8 मेगापिक्सल की सेल्फी लेकर के आता है रियलमी का नार्जो 20। तो मेरे ख्याल से सेल्फी के डिपार्टमेंट में दोनों हम कह सकते हैं कि माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 और रेडमी नोट 9 काफ़ी ठीक है, बट 8 मेगापिक्सल थोड़ी सी कम हो जाती है इन दोनों मोबाइल्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर हम सेल्फी के मामले में दोनों को आगे रखेंगे, रेडमी नोट 9 और माइक्रोमैक्स का इन नोट 1। तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि रेडमी का नोट 9 और माइक्रोमैक्स का इन नोट 1 स्पेक्स वाइज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं रियलमी नार्जो 20 के कंपैरिजन में। तीनों फोन्स में आपको टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलता है, 5000 mAh की बैटरी आपको माइक्रोमैक्स की इन नोट 1 में मिलती है विद 18W की फास्ट चार्जिंग, और रेडमी का नोट 9 में आपको 5020 mAh की मिलती है विद 22.5W चार्जर आउट ऑफ द बॉक्स, बट यहाँ पर यह सपोर्ट तो 18W ही करता है, तो आपको आउटपुट 18W का ही मिलने वाला है। और हम बात करते हैं रियलमी नार्जो 20 की, तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी आपको देखने के लिए मिलती है, और साथ में आपको देखने के लिए मिलता है 18W का फास्ट चार्जर। तो चार्जिंग स्पीड तीनों की सेम है, बैटरी भी रियलमी नार्जो 20 की काफ़ी ज़्यादा है, 1000 mAh ज़्यादा निकल करके आती है, बाकी दोनों की रेडमी नोट 9 की और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की बराबर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में थोड़ा सा एक पॉइंट आगे ले आता है रियलमी का नार्जो 20। P2i कोटिंग आपको देखने के लिए मिलती है पर रेडमी नोट 9 में, जबकि इन दोनों में से आपको किसी में भी P2i कोटिंग और डस्ट प्रूफ डिजाइन देखने के लिए नहीं मिलता है, तो ये थोड़े से अच्छे पॉइंट है रेडमी नोट 9 के। तीनों में ही आपको EMMC 5.1 स्टोरेज दी गई है, तीनों में आपको 4+64 का बेस वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, और तीनों ही आपके एंड्रॉयड 10 पर आते हैं। तो यहाँ पर आपके जो UI हैं सब अलग अलग हैं, रियलमी का रियलमी UI 1.0 पर आता है, रेडमी का MIUI 12 पर आता है, और मैक्स का माइक्रोमैक्स इन नोट 1 है वो स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आपको मिलता है, तो एड्स फ्री आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में देखने के लिए मिलने वाला है।
अब बात करते हैं फाइनली कंक्लूजन की, तो हम बात कर लेते हैं पहले प्राइस की। 4+64 GB का जो प्राइस है वो 10,499 रुपये है यहाँ पर रियलमी नार्जो 20 का। माइक्रोमैक्स का इन नोट वन आपको 10,999 देखने के लिए मिलता है, 500 रुपये महंगा, और इनसे भी 1,000 रुपये महंगा देखने के लिए मिलता है रेडमी का नोट 9। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बजट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, तो माइक्रोमैक्स का इन नोट वन आपको काफ़ी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि मार्केट में कोई भी कंपनी इस समय ऐसी नहीं है जो पंच होल डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको विद 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी के साथ में कोई भी फोन्स आ रहा हो इस समय मार्केट में। रियलमी नार्जो 20 में आपको HD प्लस डिस्प्ले मिलती है, रेडमी नोट 9 में और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलती है। मेरे ख्याल से कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पर हम रियलमी के नार्जो 20 को आउट ही कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अच्छी दिखने के लिए नहीं मिल रही। मेन पॉइंट हमारा डिस्प्ले की क्वालिटी और डिस्प्ले का लुक और साथ में सेल्फी कैमरा, तो ये तीनों चीज़ें जो कि मेन होती हैं तो ये यहाँ पर इनसे अच्छी प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पर नार्जो 20 को साइड में कर देते हैं। बात आती है माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 की और रेडमी नोट 9 की, तो थोड़ा सा 1,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, बट वहाँ पर आपको कुछ फीचर्स भी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। लाइक आपको 8 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो अच्छा देखने के लिए मिल रहा है अल्ट्रा वाइड का, बाकी मेन कैमरा तो बराबर ही है, और सामने की तरफ जो आपको कॉर्निंग वाला ग्लास 5G प्रोटेक्शन मिल रही है वो भी एक एक्स्ट्रा मिल रही है, और जो कोटिंग है वो भी आपको P2i कोटिंग देखने के लिए मिल जाती है, और साथ में डस्ट प्रूफ डिज़ाइन भी मिल रहा है रेडमी नोट 9 में। तो थोड़े से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं, बट वो वर्थ है, तो आप इन दोनों में से किसी एक के साथ भी जा सकते हैं, जैसी आपकी पसंद है। अगर हम बात करते हैं दोनों में से विनर की, तो मैं फिर भी यहाँ पर माइक्रोमैक्स के इन नोट 1 को चूज़ करना चाहूँगा, क्योंकि एक तो ही 1,000 रुपये सस्ता है और लगभग सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस फ़ोन के अंदर, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये यहाँ पर इंडियन भी है, चाइनीज़ ब्रांड नहीं है। तो गाइस ये थे मेरे ओपिनियन, बाकी आप बताना आपके क्या है विचार नीचे कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।